నాగార్జున సాగర్ లో టిఆర్ఎస్ ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయలేదని బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్ అన్నారు. సాగర్ లో తాగునీటి సౌకర్యాన్ని కూడా అందించలేదని విమర్శించారు. సాగర్ లో లేక్ పెగ్ సంస్కృతిని తీసుకువచ్చింది ఆక్షేపించారు. ఎన్నికల కోడ్ ను టిఆర్ఎస్ ఉల్లంఘిస్తుందంటున్న తరుణ్ చుగ్ తో మా ప్రతినిధి రాజరెడ్డి ఫేస్ టు ఫేస్. ఎన్నికల్లో విస్తృతంగా ప్రచారంలో బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్ పాల్గొంటున్నారు. ఈ యొక్క నేపథ్యంలో నాగార్జున సాగర్ లో గెలుపు ఓటములు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, బీజేపీకి విజయ అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉండనున్నాయో మనతో మాట్లాడడానికి బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్ ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, నాగార్జున సాగర్ చునావమే అప్కు జీత్నేకి కిత్నా అవకాశ హై? ఐసా కి నాగార్జున సాగర్ జో జగా హై వో ఏక తపో భూమి హై ఆచార్య నాగార్జున కి. और मैं वहाँ एक दिन के लिए गया था और मैं देख के हैरान हूँ कि आचार्य नागार्जुन की उस पवित्र धरती जहाँ महात्मा बुद्ध के जो उनकी शिक्षाएं हैं उनका प्रैक्टिकल करके किया गया और वो तप भूमि की कन कन भूमि पर आचार्य नागार्जुन जी ने तपस्या की. लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ देख के आया हूँ कि टीआरएस के सांसद, उनके नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री वहाँ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वहाँ के सामाजिक ताने भाने को ख़राब कर रहे हैं. वहाँ की जो पवित्र धरती है उस पवित्र धरती पर लेग पैग संस्कृति को चलाया जा रहा है, जो कि वहाँ की जनता उस पर बहुत ज़्यादा दुखी है कि जिस धरती पर कन कन पर तपस्या हुई है उस धरती पर आप लेग और पैग चलाकर उस धरती को और तेलंगाना की संस्कृति को खराब कर रहे हैं. टीआरएस बोल रहा है ग्रेजुएशन एमएलसी में जीत गया, फिर स्टूडेंट्स और एम्प्लॉय मेरा साथ है, नागार्जुन सागर भी बीजेपी और कांग्रेस मेरा साथ नहीं होता, बोल रहा है वो टीआरएस. ऐसा है कि अगर वो जीत रहे थे तो पिछले एक महीने से वहाँ उनके विधायक क्यों कैंप कर रहे हैं, उनके मंत्री क्यों कैंप कर रहे हैं, क्यों लेग पैग संस्कृति को गांव गांव में पहुंचाया जा रहा है? निश्चित अपनी करारी हार को देखते हुए केसीआर साहेब हमारे राजा बाबू अपने घटिया हथकंडों पर उतरे हैं. नागार्जुन सागर की, आचार्य नागार्जुन की पवित्र धरती को, उनकी तपोस्थली को दूषित किया जा रहा है. और ये राक्षसीय संस्कृति है कि आप तपोभूमि में जाकर लेग पैग संस्कृति को बढ़ाओ. नागार्जुन सागर में बीजेपी की प्रचार अस्त्र क्या क्या है? ऐसा है कि वो धरती जहाँ से सागर है लेकिन जल नहीं है. इतना बड़ा बड़ा स्कीम बनाया, कहाँ गया वो स्कीम? क्यों नहीं है वहाँ के खेत में पानी? वहाँ पीने का पानी क्यों नहीं है? वहाँ की जनता पूछ रही है. वहाँ आपने कहा था डिग्री कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, ना यूनिवर्सिटी बनी ना डिग्री कॉलेज बना. जो पुराना बीएड कॉलेज था आप वो भी वहाँ से ले गए. ना हॉस्पिटल है, ना डिस्पेंसरी है, ना प्रबंधन है, ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं. क्या स्थिति में पहुँचा दिया आपने? तो वहाँ की जनता केसीआर साहब से पूछ रही है कि ये जो आपने लेग पैग संस्कृति का विस्तार आचार्य नागार्जुन की पवित्र धरती पर किया है, ये पाप है, ये राक्षसीय सोच है. अभी टीआरएस एमएलए, चार एमएलए के बारे में ड्रग्स केस आरोपण आ रहा है, वो बीजेपी कैसा देख रहा है? ऐसा है कि दुर्भाग्य है, जिनको नायक, जिनको नेता, जिनको अपना प्रतिनिधि चुना, जिन्होंने जनता के सामने एक नैतिकता का उदाहरण पेश करना है, जिन्होंने यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है, वो खुद ही दम मारो दम लगा रहे हैं. ये केसीआर जी की लेग पैग संस्कृति का विस्तार है. लेग पैग संस्कृति से पहले तेलंगाना को लेग पैग संस्कृति में डुबोया, अब उसको दम मारो दम में ले जाया जा रहा है. दुखद है, बहुत दुखद है. ये नौजवानों पर, तेलंगाना के बच्चों को नौकरी तो केसीआर साहब दे नहीं सके, उनको पहले लेग पैक की ओर मोड़ दिया, अब दम मारो दम में मोड़ा. अभी एमआईएम का देखे तो एमआईएम पार्टी लीडर भी रेव पार्टी कर रहा है, वो कैसा देख रहा है तेलंगाना का, कहाँ चल रहा है वो? ऐसा है कि ये टीआरएस का बी टीम है, जो टीआरएस के अंदर चल रहा है, जो केसीआर कर रहे हैं, वही उनके जो बी पार्टी है, उनकी बी टीम है,
वो भी वही कर रही है। ये तेलंगाना के सोर्सेज, तेलंगाना के साधन, तेलंगाना के इंस्टीट्यूशन, तेलंगाना की ताकत, यहाँ का नौजवान, यहाँ की एजुकेशन, उन सबको भ्रष्ट किया जा रहा है। मतान की चूगर ओकटे चेप्ता उन्नारु टीआरएस नागार्जुन सागर को एलांटी अभिवृद्धि चेयलेदु, टीआरएस केवल माटल मात्रमे चेप्तुंदी, टीआरएस एम्मेल्येलु आ ड्रग्स केसुलो పెద్ద ఎత్తున ఉన్నట్టు వార్తలు వినిపించడం దురదృష్టకరము। తెలంగాణ ప్రజలను కాపాడవలసినటువంటి టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం ఏంటి అనేది కూడా పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేస్తున్నారు। అదేవిధంగా ఎంఐఎం పార్టీ టిఆర్ఎస్కు బీ టీమ్ లాగా వ్యవహరిస్తుంది, రెండు రెండే। నాగార్జున సాగర్ ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుంది, అభివృద్ధి బీజేపీ చేస్తుందని కూడా చూపు చెప్తున్నారు। కెమెరామెన్ జనార్దన్తో రాజరెడ్డి, రాజ్ న్యూస్, బీజేపీ కార్యాలయం నుండి।